तो ये देखिए हमारा बड़ी और नैनुआ की सब्ज़ी बनके तैयार है। और इसका टेक्सचर देखिए, आप टेक्सचर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका टेस्ट क्या होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बड़ी और नैनुआ की सब्जी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बड़ी और नैनुआ की सब्ज़ी बनाने के लिए फ्रेंड्स, हमने 100 ग्राम के आसपास बड़ी लिया है। इसे बहुत जगह अदौड़ी के नाम से भी जाना जाता है, तो आप बड़ी को अदौड़ी भी बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ बड़ी बोलते हैं। तो इसे हमने तोड़ के इसे रोस्ट कर लिया है, हल्का सा भूनेंगे इसको तोड़ के, क्योंकि तोड़ के इसे भूनेंगे तो ये अच्छे से पक जाएगा हमारा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि इसके बीच में ये पकता नहीं है, गांठें इसमें रह जाती है, तो इस वजह से तोड़ के हमने यहाँ पे पकाया है। तोड़ के इसे हल्का लाल होने तक भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का लाल होने तक केवल रोस्ट करना है। ये देखिए हमारा भुन चुका है। अब हम एक कुकर लेंगे, उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और साथ ही आधी चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा पंचफोरन, और इस पंचफोरन को अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज और हरी मिर्च हमने जो काटा था, ये 2 बड़े साइज़ का प्याज है और 2 से 3 हरी मिर्च हमने दिया है यहाँ पे। और इस प्याज को हम सुनहरा होने तक भूनेंगे। इसे आप चाहे तो लो फ्लेम पे भी भून सकते हैं, लेकिन मीडियम फ्लेम पे ज़्यादा ये अच्छे से भून जाएगा और जल्दी भुनेगा। तो देखिए हमारा प्याज आधा भून चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें हम डालेंगे, ये हमने ग्राइंड करके दिया था। तो लहसुन हमने 8 से 10 कलियाँ लिया है और अदरक 1.5 इंच का टुकड़ा, उसको ग्राइंडिंग करके दिया है। अब यहाँ पे हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, काश्मीरी पाउडर आधा चम्मच से थोड़ा सा कम, और लाल मिर्च पाउडर आधा से थोड़ा सा कम, क्योंकि हमने हरी मिर्च का भी प्रयोग किया है, तो तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और मसाला डालने के बाद इसमें थोड़ी सी पानी डाल के मसाले को अच्छे से भुनेंगे। आप इस प्रकार से बड़ी और नैनुआ की सब्ज़ी बनाएंगे फ्रेंड्स, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। एक बार आप इस रेसिपी को इस प्रकार से बना के ट्राई ज़रूर करें, शायद इस प्रकार से आप नहीं बनाया हो अभी तक। तो मसाले को हम भूनेंगे। तो ये देखिए हमारा मसाला तेल छोड़ने लगा है, तो ये हमारा लगभग मसाला भून चुका है। तो ये देखिए हमारा तेल छोड़ चुका है मसाला। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप आवश्यकता अनुसार इसमें ऐड करेंगे, आपको टेस्ट जैसा कम ज़्यादा पसंद हो नमक का स्वाद। तो मसाले दे के नमक दे के हम इसे भूनेंगे अच्छे से, इसे मिला देंगे। और अब हम इसमें नैनुआ डालेंगे। नैनुआ हमने फ्रेंड्स ये आधा केजी के आसपास नैनुआ है हमारा, आधा केजी से 600 ग्राम के आसपास, और उसे हमने इस प्रकार के शेप में काटा है उसे छील के। तो कम्बिनेशन याद रखें, 100 ग्राम बड़ी हमने लिया है और आधा केजी के आसपास नैनुआ लिया है, उसे छील के हमने इस प्रकार के शेप में काटा है। तो इस प्रकार से हम मिला के इसे कवर कर देंगे कुकर के ढक्कन से, बिल्कुल बंद नहीं करना है, केवल ऊपर से रख देंगे। और देखिए इस प्रकार से हमारा नैनुआ हमारा सॉफ्ट हो चुका है, बहुत ही लाजवाब और डिलीशियस रेसिपी बनने वाली है। तो अब हम इसमें रोस्ट की हुई बड़ी इसमें डालेंगे, जिसे अदौड़ी बोलते हैं। तो इसको भी डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे। तो अब हम यहाँ पे इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि मसाला हमारा पहले ही भून चुका है और नैनुआ को भी हमने अच्छे से पका लिया था, और बड़ी को डाल के मिला के इसमें पानी ऐड करके
इसे 7 से 8 सीटी बिल्कुल लो टू मीडियम पे पकाएं। शुरू 1 से 2 सीटी तेज फ्लेम पे लगा सकते हैं, उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे इसका और उसको अच्छे से पकने दें, क्योंकि बड़ी जो है बहुत हार्ड होता है। यहाँ पे हमने पत्रज ऐड किया है और आधी चम्मच के आसपास गरम मसाला। पत्रज हम इस स्टेज पे लास्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप चाहे तो, आपको पसंद है तो शुरू में भी ऐड कर सकते हैं पत्रज। तो ये देखिए, हमने 8 से 9 सीटी लगाया था लो फ्लेम पे। ये देखिए हमारा इस प्रकार से पक चुका है, बिल्कुल पानी भी सोख चुका है। तो अब हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे, क्योंकि पकाते समय हम ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो अच्छे से नहीं पकेगा। तो कम पानी देके इसे 8 से 9 सीटी लगा देंगे और अब हम इसमें गर्म पानी अच्छे तरीके से ऐड करके इसे मैश करके, इसे आप चाहे तो 1-2 मिनट के लिए पका सकते हैं। और तो फाइनली हमारा बन चुका है बड़ी और नेनुआ की सब्ज़ी। ये देखिए, आपको कहीं से लग रहा है देख के ये कि बड़ी और नेनुआ की सब्ज़ी है, और इसका टेक्सचर आप देखिए। तो इस प्रकार से आप इस रेसिपी को बनाएंगे, बड़ी और नेनुआ की रेसिपी को एक साथ, तो कुछ इस प्रकार का बनने वाला है। और इसका टेस्ट तो इतना अच्छा आता है कि मत पूछिए। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इसका टेक्सचर देख के बता सकते हैं आप इसका स्वाद का अंदाज़ा। ये बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड्स। तो आप भी इस रेसिपी को बनाएं अपने घर पे और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।